75 साल 75 मशाल, आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आज भारत की आजादी की उस मशाल की बात करेंगे जिसने भारत की भूमि को रोशन करने के लिए खुद को भरी जवानी में बुझा दिया। महज 25 साल की उम्र में मातृभूमि की खातिर सर्वोच्च बलिदान देने वाले क्रांतिवीर धरती पुत्र बिरसा मुंडा जी को मेरा शत शत नमन, चरण वंदन। उस हुतात्मा को जिसने देश के आदिवासी समुदाय के बीच आजादी की अलख जगाई। बिरसा मुंडा जी का नाम झारखंड के लोहरदगा से जुड़ा हुआ है क्योंकि वहां जन्म हुआ और उनका बचपन उसी तरह गुजरा जिस तरह से एक आम आदिवासी बालक का गुजरता है। प्रकृति की गोद में बांसुरी की धुन पर जिंदगी के तराने गुनगुनाते हुए, लेकिन मौत के सौदागरों को जिंदगी का गीत कहां रास आता है। पर वो कल बल छल से धरती पुत्रों के जल जमीन जंगल पर कब्जा कर रहे थे। बिरसा मुंडा जी को जल्दी ही समझ आ गया कि शोषण के इन औजारों को ओहदा भले ही अलग हो, नाम और पहचान इनकी भले ही अलग हो, लेकिन मूल तत्व में सब एक हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। तब उन्होंने आदिवासी समुदाय के बीच एक नया नारा दिया, साहब साहब एक टोपी है। बिरसा मुंडा जी ने उस सिर को ही कलम करने का फैसला किया जिस पर दमनकारी व्यवस्था की ये टोपी टिकी हुई थी। महारानी का राज खत्म करो और अपना राज कायम करो के उद्घोष के साथ बिरसा मुंडा जी ने सीधे अंग्रेजों के विरुद्ध कुल गुलान मतलब महाविद्रोह का ऐलान कर दिया। उनकी एक आवाज पर आदिवासियों का जत्था जत्था जंगलों में जमा होने लगा। धरती पुत्र अंग्रेजी शासन व्यवस्था से जुड़ी हर चीज को ध्वस्त करने लगे। अंग्रेजी हकूमत ने अपनी पूरी ताकत बिरसा मुंडा जी और उनके सहयोगियों के खिलाफ लगा दी, लेकिन बिरसा मुंडा जी बल से अंग्रेजों के कब्जे में नहीं आए। तब धूर्त अंग्रेज ने छल का प्रयोग किया और उन पर इनाम घोषित किया। कहा जाता है कि उसी इनाम के लालच में एक गद्दार ने देशद्रोह कर दिया और बिरसा मुंडा जी के गुप्त ठिकाने की जानकारी जालिम अंग्रेज को दे दी। 9 जून 1900 को रांची जेल के अंदर बिरसा मुंडा जी की मौत, उनकी शहादत आज तक रहस्यों के आवरण में ढकी हुई है। अंग्रेजी सत्ता के नुमाइंदों ने दावा किया कि बीमारी से उनकी मौत हुई, लेकिन यह सच नहीं है दोस्तों। सच यह है कि उन्हें धीमा जहर दिया गया। साजिश से अंग्रेजों ने भले ही उनकी सांस की डोर तोड़ दी, लेकिन बिरसा मुंडा जी ने देश और आदिवासी समुदाय के बीच स्वतंत्रता और स्वाभिमान की जो अलख जगाई वो आज तक प्रज्वलित है। बिरसा मुंडा जी को गांधी जी से पहले ही गांधी की उपाधि भी दी गई। दरअसल हर वक्त हाथ में तीर कमान लिए हुए बिरसा जी अनावश्यक हिंसा के सख्त खिलाफ थे। साथ ही वो आजीवन सामाजिक धार्मिक रूढ़िवादियों के और रूढ़ियों के खिलाफ संघर्ष करते रहे। अपने समुदाय के बीच उनकी छवि भगवान की थी, परंतु वो भगवान जो इंसान में मौजूद है। लोग बाग इस उम्मीद में उनके पास आते थे कि उनके छूप देने भर से उनके दुख दर्द दूर हो जाएंगे, लेकिन खुद बिरसा मुंडा जी अंधविश्वास के खिलाफ अपने समुदाय के बीच और देश में अलग जगाते रहे। आजादी की लड़ाई में बिरसा मुंडा जी ने जो योगदान दिया है उसके लिए राष्ट्र आजीवन उनका ऋणी रहेगा। स्वतंत्रता के इस सपूत को मेरा नमस्कार। जय स्वतंत्रता संग्राम, जय भारत, जय हिंद।